हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? वी होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं सोलन स्ट्रीट फूड खाने। तो चलो चलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं अपने रूम से मार्केट की ओर और हम मेन रोड से ऑटो लेंगे। और ये रहा हमारा ऑटो, हमें ऑटो मिल भी गया। वैसे वेट करना पड़ता है ऑटो के लिए कई बारी, बट आज थोड़ा जल्दी मिल गया। तो अब ये बड़ा सा ट्रैफिक भी जाम भी हो गया है। आजकल ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही लग रहा है, मतलब सुबह और शाम तो ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा रहता है। और ये हम पहुंच गए। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं अपने फेवरेट गोलगप्पे से। तो हमने ऑर्डर दिया सूजी पानी पूरी और आटे की पानी पूरी का, और ये है आटे की पानी पूरी और ये है सूजी की। तो अब तो रहा ही नहीं जा रहा है, तो चलो हम शुरू करते हैं। और ये खाने में बहुत अच्छी है, पर जो आटे वाली पानी पूरी है उनका साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हमारे मुंह में ही नहीं आ रहे थे। और इसका साइज़ बड़ा होने के साथ साथ इसका प्राइस भी थोड़ा बड़ा, मतलब ज़्यादा है। तो पर प्लेट 35। है दोनों प्लेट, मतलब सूजी और आटा। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बट वो है कि मुँह से बाहर भी निकल रही थी, मतलब मुँह के अंदर ही निकल जा रही थी। तो चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रीट फूड की ओर, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये हम पहुंच गए भेलपुरी वाले भैया के पास। तो ये काफी अच्छी भेलपुरी बनाते हैं। ये भैया ने नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया और अब इसे मिक्स कर रहे हैं। टमाटर प्याज भी डाल के। तो जो इसका प्राइस है वो 10 रुपीज है ओनली। तो हम इसको लेकर बैठ गए एक पार्क में, चिल्ड्रन पार्क में, जो कि मॉल रोड के पास ही है। तो ये खाने में सच में बहुत ही टेस्टी है। तो अब हमें आगे जाके मिलता है कुल्फी वाला। बहुत ही अच्छी कुल्फी यहाँ पे है। अगर हमें इसे रेटिंग देनी पड़े तो हम 10 आउट ऑफ 10 ही देंगे, क्योंकि इससे टेस्टी कुल्फी तो पूरे सोलन में नहीं है। ये कुल्फी पहले 10 रुपीज़ की मिलती थी, बट अभी 20 की मिलती है। हाँ, बट 20 भी ठीक है इसकी टेस्ट के हिसाब से। तो कुल्फी खाने के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो हम अब सोच रहे हैं कि हम क्या खाएं इसके बाद। पर यहाँ पर अभी शाम के टाइम एक मोमोज वाले भैया रहते हैं, पर वो सिर्फ शाम को ही आते हैं, सुबह या दिन में नहीं रहते हैं। और वो बहुत ही टेस्टी स्टीम मोमोज बनाते हैं। वैसे हमने खाए तो नहीं है, पर हमने सुना है, तो चलो हम आज टेस्ट भी कर लेते कि वो कैसा बनाते हैं। तो अब आप ये मॉल रोड का व्यू देख ही सकते हैं। शाम के टाइम यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह अलाउड नहीं होती है, तो हम मतलब सारे लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं। तो ये हम पहुंच गए मोमोज के पास। और ये मोमोज तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से ये चाट वगैरह छिड़कते हैं, और चटनी सॉस सब कुछ, मतलब अलग अलग टाइप्स की चटनी देते हैं ये एक प्लेट में अलग से। बट बहुत ही ज्यादा गर्म थे, पर और हमसे खाए नहीं जा रहे थे, हम फिर भी खा ही रहे थे जबरदस्ती।
ये जो भैया है ये मोमोज बहुत ही सस्ते देते हैं, फुल प्लेट मोमोज ये सिर्फ 50 रुपीज के देते हैं। तो मोमोज खाने के बाद अब हम चलते हैं घर की तरफ, पर रास्ते में हमने सोचा कि हम यहाँ की टिक्की और बर्गर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हम पहुँच गए टिक्की बर्गर की शॉप में। तो हमने 2 प्लेट टिक्की ऑर्डर की और 1 प्लेट बर्गर। बर्गर जो है काफी गर्म था और टिक्की टिक्की ये खाने में इतना कुछ ज्यादा टेस्टी तो नहीं था, बट हाँ 19-20 बोल सकते हैं, मतलब ठीक ही था, खाने लायक था। सेंस है कोई इस बात की? हाँ सेंस तो नहीं है पर इमोशन जरूर है। ओके तो अब इतना कुछ खाने के बाद डिनर तो हम कर ही नहीं पाए, तो हम आपको प्राइस भी बता देते हैं। ये आलू टिक्की और बर्गर दोनों का ही प्राइस 30-30 है। तो अब हम सब कुछ खाना पीना करके अब जा रहे हैं हम घर की तरफ पैदल। और वैसे अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है। बाकी आप वो व्यू को इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।